नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के बरेली के आंवला में क्षत्रिय महासभा का आयोजन हुआ। आज तहसील आंवला में क्षत्रिय महासभा का आयोजन हुआ और जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के सभी जीते हुए प्रत्याशियों का सम्मान किया गया। आंवला संवाददाता सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। बहुत ज्यादा कमी मैं महसूस करता हूँ। अगर अपने परिवार के बच्चों को कामयाब करना है तो पढ़ाइए तो जरूर, मगर उसके साथ साथ शिष्टाचार लेकर अगर वो समाज में जाएगा, निश्चित रूप से आपके बच्चे की छवि एक अलग निखर के आएगी। आज यहाँ पर हमारे सभी लोग पढ़ाई में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। मैंने भी साहब बहुत पढ़ाई की, जब तक विधायक नहीं बना तब तक पढ़ता ही रहा। मैं बताता हूं, बहुत ज्यादा पढ़ाई कामयाब नहीं आती, मगर शिष्टाचार अगर आपके अंदर होगा, सम्मान देने की शक्ति अगर आपके अंदर होगी, निश्चित रूप से ये समाज आपको गले लगाकर अपना मुकुट का हीरा बना ले। इसलिए आप सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि अपने परिवार के सभी नवयुवकों को सम्मान करना अवश्य सिखाएं। यहाँ पर जितने भी सभी पीडीसी और प्रधान जीत कर आए हैं, जिन्होंने अपने समाज का नाम रोशन किया है, मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ, ताकि आप सभी लोग इससे भी आगे जाकर समाज का नाम रोशन करें। और जहाँ समाज की बात आती है, वहां पर आपके अंदर एक करंट जरूर आना चाहिए। अगर वो करंट नहीं आता तो अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। मैं आपको बता रहा हूं, करंट आना चाहिए। मैं तो खुद ही फतेहगंज पूर्वी में रहता हूं, जो कि फरीदपुर विधानसभा में लगती है। मैं एक दिन बहुत जल्दी में था, एक उदाहरण बता रहा हूं आपको, बहुत जल्दी में था। एक युवा लड़का मेरे पास आया कि विधायक जी ऐसा ऐसा काम है, तो हमने कहा देखो बहुत जल्दी में कल सुबह आना, कहा रहते हो कि फला गांव में, हमने कल सुबह आना। तभी एक बुजुर्ग खड़े हुए।